मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा एक ऐसा शहर है जहां से चमकते हुए सितारे निकलकर अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही बच्चे एक बार फिर चमकते हुए सितारे बनकर सामने आए हैं जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में चयन हुए। दरअसल वैसे तो 5 बच्चे थे मगर फाइनल में दानियाल सिद्दीकी, महबूब आलम, अरकम अंसारी ये सिलेक्ट हुए हैं, जबकि 2 बच्चे अमान शेख और अदनान सिद्दीकी ये सिलेक्ट नहीं हो पाए। और बड़ी ही गर्व की बात ये मुंब्रा कौसा के लोगों के लिए है कि इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी, जिसके प्रेसिडेंट शमीम खान और जनरल सेक्रेटरी मुमताज शाह और कोच रिसाल बेग, इन लोगों की मेहनत से ये तीनों बच्चे दानियाल, महबूब, अरकम ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में इनका चयन हुआ है। हालांकि शमीम खान ने भी इन बच्चों और कोच रिसाल बेग को अपने बंगले पर बुलाकर इनका सम्मान सत्कार भी किया है। हमने कोच रिसाल बेग और दानियाल, महबूब, अरकम इन लोगों से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में चयन होने के बाद बातचीत की है। क्या कुछ इन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। मेरा नाम रिसाल बेग है, मैं इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी का कोच हूँ। दरअसल मुंब्रा की हमारी ये 3 साल से एकेडमी चल रही है और ये MCA सिलेक्शन था, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का समर कैंप। ये हर साल होता है, लास्ट ईयर नहीं हुआ कोरोना की वजह से, जिसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 500 से 700 हजार बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उससे ये खुशी की बात है कि मुंब्रा से हमारे 5 बच्चे सिलेक्ट हुए, बट फाइनल में हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए और 2 बच्चे जो है फाइनल राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन 3 बच्चे हमारे महबूब आलम, दानियाल सिद्दीकी और अरकम, ये तीनों बच्चे इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी मुंब्रा से हैं और तीनों बच्चे ने अच्छा परफॉर्म करके सेलेक्ट हुआ। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही हमारे लिए स्वागत की बात है। दरअसल बच्चों के लिए अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी इनकी प्रैक्टिस रेगुलरली चल रही है डोंबोली में। ये अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से 9:30 बजे तक इनकी प्रैक्टिस चल रही है, 20 डेज तक, 20 दिन तक इनकी प्रैक्टिस चलेगी। उसके बाद इनके मैचेस होंगे, उस मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस खेलेंगे। तो मैं इनको उम्मीद करता हूँ कि ये जो बच्चे मुंब्रा एकेडमी से जो जुड़े हैं इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी, ये मेहनत करें, खूब अच्छा परफॉर्मेंस करें और ये आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करें, सेलेक्टर्स के दिल जीतें और आगे मुंब्रा का भी नाम रोशन करें। क्या बोल मोहम्मद अरकम, बस मेहनत करेंगे, सारी की गाइडलाइन पर चलेंगे अंचल और कामयाबी जो मैचेस हैं उसमें परफॉर्मेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप मेरा नाम सिद्दीकी दानियाल नाम है और मैंने अच्छा खेला हूँ और मैंने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसलिए फिर मेरे को मतलब मेरी बैटिंग देख के उनने मेरे को सेलेक्ट किया। बैटिंग में आप आगे चल के बस ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरे को आगे खेलते जाने का है और जब तक मैं इंडियन टीम में नहीं खेल सकता तो मेरे को मेहनत करनी है। पहले रणजी भी आता है, रणजी में भी आपको खेलना है, तो जब तक कि मेरे को मेहनत करने का है। और जैसे कि रिसाल सर हम लोग के पीछे बहुत मेहनत करते और अभी मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में सेलेक्ट हूँ तो सब रिसाल सर की मेहनत है, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं परफॉर्मेंस करूँ, उसके बाद एक टूर्नामेंट होगा पयाड़े करके, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना है, मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है, रणजी खेलना है, उसके बाद इंडिया का सपना है वर्ल्ड कप जीतना। आपके जो कोच इनके लिए आप क्या? मेरे कोच बहुत मेहनत करते हैं, मुझे जब बैटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो मुझे वो ड्रिल बताते, वो करने को बोलते हैं। और रिसाल सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, इसके उनकी मेहनत हम लोग जाया नहीं करना चाहते।